अधूरी शक्ति जरूर है यहाँ आसपास। लगता है मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है जिसका काल लोक से कोई पुराना हिसाब बाकी है। मैं अपने मकसद से भटक रहा हूँ। शौर्य के अनुसार तिमनासा के अंत के बाद काल्लोक की काली ऊर्जा और घातक हो गई है, इसलिए मुझे जल्द ही धातु फल को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई है, लेकिन मेरे अलावा इस काल्लोक में कौन है ये जानने का बस एक ही तरीका है। कैसी आवाज है? इस शंख की आवाज अब पूरे काल्लोक में गूंज चुकी है। ये आवाज काल्लोक के सारे बुरे प्राणियों को मेरे पास खींच कर ले आएगी। तो दीदी, हमें स्टोन की हेल्प से क्वारंटीन सेंटर में भारत नगर से फूड पैकेट और एसेंशियल आइटम्स भी भेज सकेंगे। बट वाई विवान, क्वारंटीन सेंटर तो यही पास में ही है ना, भारत नगर के पीछे, तो फूड आइटम पहुंचाने के लिए इसकी क्या जरूरत है? दीदी थिंक, अब लोग आना शुरू होंगे, तब सेफ्टी के लिए हमें स्टोन की मदद से फूड पैकेट और बाकी सारे डेली नीड्स के आइटम भेजेंगे तो सेफ रहेगा, है ना? नाइस आइडिया विवान, अब मैं भी ट्राई करूँ एक बार। लेकिन विवान, तुम्हें इसमें मेरी क्या हेल्प चाहिए? आई मीन, ये ब्रिलियंट आइडिया तो तुम्हारा है ना? एक्चुअली क्या है ना नन्या दीदी, मम्मी मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि चिंटू ने उन्हें मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दी है। शी इज वेरी एंग्री। लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि आप माँ के सामने मेरी और मेरे इस आइडिया की इतनी तारीफ कीजिए कि माँ इंप्रेस हो जाए। ओके विवान, मैं करुणा आंटी के सामने तुम्हारी इमेज ठीक कर दूंगी, बट इन रिटर्न मुझे भी तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। आस्क एनीथिंग दीदी। ओके, तो तुम्हें नकाबपोश को लोकेट करने में मेरी हेल्प करनी होगी। डन। वैसे भी मुझे दोस्त से मिलना है, पिछले कुछ दिनों से तो वो गायब ही हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सोशल बॉयकॉट फॉलो कर रहा है दोस्त। अनन्या दीदी, वो नहीं माँ, जल्दी जाइए। हाय करुणा आंटी। हेलो आंटी, एक्चुअली मैंने ना एक ऐसी चीज ढूंढी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्वारंटीन सेंटर तक फूड आइटम्स और एसेंशियल आइटम्स भेज सकते हैं बिना वहां तक जाए। कैसे? रुकिए, मैं आपको एक डेमो दे के दिखाती हूँ। मिल्सा, मैं काल्लोक में इतनी देर से घूम रहा हूँ, अब तो मैं महल के नजदीक भी आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ लगता है कि कोई जिंदा ही नहीं बचा है। एक काम करिए आप, काल्लोक की थोड़ी सी मिट्टी आसपास छिड़क दीजिए। उस मिट्टी के सहारे मैं आपको ये बता सकूंगी कि काल्लोक में क्या हुआ था। इसका मतलब कि काल्लोक की महारानी और उसका सेनापति मारे जा चुके हैं। आप तुरंत काल्लोक से बाहर चले आइए, खतरा मत उठाइए। खतरा उठाने वाले ही जीत का ताज भी उठाते हैं मिल्सा।
यहाँ काललोक में इस भयानक बुरी ऊर्जा में जो कोई भी आया है वो कोई महाताकतवर ही होगा। इससे पहले कि कोई और मुझसे बताए, मुझे वो धातु फल लेकर तुरंत वीर-लोक जाना चाहिए। उस महाताकतवर से मिलने का सुनहरा मौका छोड़कर मैं काललोक से वापस नहीं लौटूंगा। यस, अब मैं इतनी इंप्रेस होगी कि नेक्स्ट वन मंथ तक मेरी सारी गलतियां माफ कर देंगी। और आंटी, आपको पता है ये ब्रिलियंट आइडिया आपके ब्रिलियंट बेटे विवान का है। कहाँ है विवान? विवान, सॉरी, आई डोंट नो आंटी, विवान ने ऐसी क्या शरारत की है कि आप उससे गुस्सा हैं। बट वन थिंग आई अश्योर यू आंटी, वो एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत केयरिंग बच्चा है। इनफैक्ट पूरे भारत नगर में उससे अच्छा बच्चा कोई नहीं होगा। तो प्लीज आंटी, उसे माफ कर दीजिए। बोलो, नहीं सुनो विवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू अभी छोटा है बेटा, तो तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के मामले में टांग अड़ानी चाहिए, समझा? आंटी सही कह रही है विवान, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। अब नहीं करेगा ना कोई शरारत? नहीं करूंगा माँ, पक्का पक्का। और चिंटू की भी कंप्लेन नहीं आएगी ना? चिंटू की भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। बचाओ, कोई तो बचाओ, प्लीज हेल्प मम्मी, कोई तो बचाओ। चिंटू, बाप रे, आंटी प्लीज हेल्प। पर क्या तुमने किया? अरे चिंटू, तूने किया है ना ये? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो उल्टा उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। विवान, बदमाशी मत कर, नीचे उतारने से। अरे मम्मी, वही तो ट्राई कर रहा हूँ। विवान, मेरे में तेरा क्या बिगाड़ा यार, तू हर बार मुझे फ्री में एस्ट्रोनॉट बना देता है। लगता है ये रिमोट भी गरम हो गया। अब करुणा आंटी, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी लाइफ कम होने वाली है, कोई तो बचाओ मम्मी। अरे चिंटू, अरे 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 चिंटू, आराम से, ये क्या क्या विवान? अरे अरे वही कर रहा हूँ। अरे कोई तो बचाओ आप अपने। अरे अरे चिट्टू, अरे चिट्टू, चिट्टू आराम से, आराम से, अरे नहीं चिट्टू, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आंटी, आराम से। विवान, मैंने उसे नीचे उतारने को कहा था, पटकने को नहीं कहा था। मम्मी, मैं उसे नीचे ही उतार रहा था, पता नहीं ये रिमोट, ये पनिशमेंट के लायक है। अरे नहीं दीदी, क्या लायक है, क्या क्या अरे नहीं, अरे रुको, अरे विवान, इसी गुफा के अंदर होगा वो धातु फल जिससे मेरी माँ ठीक हो जाएगी। तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, इससे बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। काल लोक आया था बुराई को साथ ले जाने, लेकिन अब मैं उस महाताकतवर को ही साथ लेकर जाऊंगा।
बुरी शक्तियां बुराई करने की धुन में इतनी अंधी होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता और आसानी से उन्हें चकमा दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि वो महाताकतवर काललोक नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। बधाई हो आपको बम्बाल श्री, बधाई हो। यही है वो धातुफल जिससे बने खंजर से तिमनासा ने मां पर हमला किया था और अब इसी धातुफल से मां ठीक भी हो जाएंगी। रुक तू, आ मम्मी, आज तो तू गया, आज तो तू गया, अरे बच्चे ने आंटी, हाँ विवान रुक। एक काम करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए प्रिंसिपल कैबिन में ही छुप जाता हूँ। रुक विवान, विवान। प्रिंसिपल रूम। कितनी फनी सिचुएशन है, बदमाश बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए प्रिंसिपल कैबिन में लाया जाता है और मैं खुद माँ के पनिशमेंट से बचने के लिए प्रिंसिपल कैबिन में आ गया। स्वीट। अब मैं अगले एक दो घंटे तक यही रुकता हूँ, तब तक माँ के गुस्से का प्रेशर कुकर का प्रेशर जरूर खत्म हो जाएगा। बम्बाल श्री यहाँ अचानक कोई आ गया है। कौन? पता नहीं बम्बाल श्री, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे और रे को इस हालत में ना देख ले। धरती वालों को हमारी पहचान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए मिलसा, वो जो भी है उसे रोको और अगर जरूरत पड़े तो उसकी जान भी ले लो। नकापोश, माँ के पास ये धातुफल पहुंचाने से पहले अनन्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। ये महाताकतवर जो भी है मुझे इसका खून चाहिए, लेकिन पहले देखूं तो ये है कौन। कहाँ चला गया वो महाताकतवर? विवान, तू जहां भी छुपा है बाहर निकल। माँ, अरे यार माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाएगी। भाग विवान भाग, कहीं और जगह जाकर चुप। बम्बाल श्री, वो जो भी यहाँ आया था वो अब यहाँ से जा चुका है और आपको अब एक खुशी की खबर देनी है, रे को होश आ गया है। दूर हटो, दूर
दूर हटो। खुशबू बुराई, बुराई की कड़वी कड़वी खुशबू, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए स्वामी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी। स्वामी मैं भी देखती हूँ कि नकाबपोश मुझे कब तक इग्नोर करेगा। अलार्म क्लॉक की तरह तब तक उसके कान में बजती रहूंगी जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाता। नकाबपोश, 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 नकाबपोश। इतने लोगों के सामने तो नकाबपोश बनकर नहीं जा सकता, और अनन्या को ये भी नहीं बता सकता कि देवो ही नकाबपोश है। लगता है कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा। नकाबपोश, नकाबपोश। अगर इतना याद गॉड को करती तो सेंट अनन्या बन जाती है। अनन्या बन जाती है। नकाबपोश, अरे अरे सुनो, इतना भाव क्यों खा रही हो तुम? सीधे सीधे अपना फेस दिखाओ ना। क्योंकि मुझे गुड बाय कहना अच्छा नहीं लगता अनन्या। गुड बाय, व्हाट डू यू मीन? यहाँ धरती लोक पर मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मुझे दूसरे ग्रहों पर जाकर बुराई को मिटाना है। सो थैंक यू एंड गुड बाय फॉरएवर। अरे पर सुनो, अरे रुको, इतनी जल्दी फ्रेंडशिप तोड़ के कौन जाता है? रुको, अरे मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है बामबाल श्री कि रे ने मुझे छुपने का इशारा दिया। अभी इसे कवक के अंडे से बाहर आए 20 घंटे भी नहीं हुए, जरा देखो कितना बदलाव आया है इसमें। मुझे पूरा यकीन है बामबाल श्री कि ये बहुत जल्द 20 साल के नौजवान की तरह समझदार और ताकतवर बन जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये मेरे साथ पहले भी हुआ है? ये किस नमूने को लेकर आया बामबाल श्री काल्लोक से? ये जो भी है, इसे बुराई की खुशबू बहुत पसंद है। और जिसे बुराई पसंद है वो मुझे पसंद है। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? ये काल लोक का प्राणी हमारे किसी न किसी काम तो जरूर आएगा। खैर वो सब बाद में सोचेंगे, फिलहाल तुम मुझे ये बताओ वो यंत्र तैयार है क्या? जी बामबाल श्री, वो भाषा सिखाने वाला यंत्र तैयार है। अब हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी हम जबान चुरा सके। अरे नकाबपोश रुको, आज तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही होगा, रुको। ये लड़की तो च्युइंगम की तरह चिपक गई, मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। Thank you.
What's going on, bro? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए मुझसे? मैं जा रहा हूँ। हमें तुम्हारी आवाज चाहिए। क्या? मुझे जाने दो। Up, Mr. B. इक्कीसवीं सदी की भाषा मुबारक हो रे. वेलकम. चिल मिस्टर बी. 20 years तक फंगस कैग में रहा हूं. अब थोड़ी खुली हवा में सांस तो लेने दीजिए. ये कहाँ जा रहा है बम्बालश्री? जाने दो इसे मिलसा. इसे कुछ वक्त नई दुनिया में बिताने दो. ये जितना वक्त बाहर की दुनिया में बिताएगा उतना ही उसका दिमाग नई चीजें सीखेगा. आहा. नकाबपोश?